आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज जो रखे आपको A1। कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। बादशाह खान, तुम्हारी हरकतों में गुस्सा भी आता है और हैरत भी। तुम्हारा जुनून दोनों कबीलों के दरमियान जंग का सबब भी बन सकता है। तू ना जा मेरे श्रीदेवी को समर्पित होगा नौवा खुजराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। नौवे खुजराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन 16 दिसंबर को भव्यता के साथ होगा। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस 8 दिवसीय समारोह को इस बार दिवंगत सुपरस्टार श्रीदेवी को समर्पित किया गया। संयोजक प्रयास प्रोडक्शन के निदेशक राजा बुंदेला ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन में श्रीदेवी के पति बोनी कपूर सहित उनके परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त महोत्सव में देश विदेश की फिल्मों का भी प्रदर्शन होगा। इसके लिए हमेशा की तरह टपरा टॉकीजें भी तैयार की गई हैं, जो महोत्सव में देश विदेश के कलाकारों और निर्माताओं निर्देशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है। राजा ने बताया कि श्रीदेवी ने अपने अभिनय से दुनिया भर में भारतीय फिल्मों को पहचान और ख्याति दिलाई। उन्होंने अभिनय के नए आयाम भारतीय फिल्म जगत में स्थापित किए। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं में सैकड़ों फिल्मों में काम किया है। 4 साल की उम्र से अभिनय कर रही श्रीदेवी को श्रद्धांजलि स्वरूप ये महोत्सव समर्पित किया गया है। भारत सरकार उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित कर चुकी है। महोत्सव में गदच्चू फेम मनीष बाधवा, असुरानी गुलशन ग्रोवर, हरीश भिमानी, अली खान, पंकज धीर जैसे अभिनेता भी आ रहे हैं। फिल्म महोत्सव में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और फग्गन सिंह कुलस्ते के आने की स्वीकृति भी मिल चुकी है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहले या अंतिम दिन यहां आएंगे। उनके विस्तृत कार्यक्रम की अभी प्रतीक्षा है। महोत्सव के आयोजन में सुष्मिता मुखर्जी बुंदेला, निर्देशक राम बुंदेला, अभिनेता व प्रोडक्शन से जुड़े जगमोहन जोशी, राकेश साहू आदि कलाकार भी विशिष्ट सहयोगियों में हैं। ऐसे ही और फिल्मी दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।